बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर। आज आपके लिए अफरोज़े का एक हिट आर्टिकल लेके आए। काफ़ी डिमांड आ रही थी मैक्सी की, क्योंकि वेडिंग सीज़न है तो हर कोई डिमांड कर रहा था, तो इसलिए आपके सामने ये लेके आए। बेटर देन ओरिजिनल की तरह इसको कोशिश की है बनाने की। इसको अनपैक करते हैं डिटेल के साथ आपको उसकी सारी। सबसे पहले इसका आपको ट्राउज़र का फैब्रिक दिखाएंगे। प्योर रॉसेल का ट्राउज़र है जो कि ब्रांड यूज़ करते हैं। थोड़ा सा शार्प कलर है क्योंकि हम इसको इनर पे यूज़ करेंगे, तो क्योंकि मैक्सी है तो ये बेसिकली यूज़ इनर में ही होना है, तो इनर का कलर थोड़ा सा शार्प रखा है ताकि कलर जो है वो आपका मॉडल से मैच हो सके। तो इसको बिछा लेते हैं और इसको इनर के तौर पर यूज़ करें। अपर बॉडी दिखाते हैं, ठीक है, जो इसको हम योक कहते हैं, फ्रंट की योक। हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस तिल्ला थ्रेड वर्क के साथ ये इसकी अपर बॉडी है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी बैक बॉडी की तरफ। ये जो है एम्ब्रॉयडर्ड बैक बॉडी है इसकी, ठीक है। फ्रंट एंड बैक योक दोनों आपके सामने। 16 कलियां इसकी दी गई है जितनी ओरिजिनल ने दी थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक कली ऊपर और एक कली जो है वो नीचे, इस सेटिंग से ये बनी हुई है, ठीक है। ये कली यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऊपर जा रही है, दूसरी कली यहाँ आके ख़त्म हो रही है। तो ये तकरीबन 16 कलियाँ हैं, ठीक है। ये पूरा आपको मैं ओपन करके रख के बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं सारी कलियाँ जो है मैंने फ्लोर पे रख दी है। एक कली यहाँ से स्टार्ट होगी और एक कली वहाँ से स्टार्ट होगी। 16 कलियाँ दी हुई है, 16 कली दी हुई है। हर कली को आप आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक मैक्सी का लुक आएगा। अब दामन के बॉर्डर की तरफ आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं प्योर रॉ सिल्क फैब्रिक पे दामन का बॉर्डर है, ठीक है। और ये जो है पूरा फॉयल शीशे का काम है, ठीक है। ये पूरा ऑलराउंडर आपका मैक्सी पे लगेगा, ठीक है। और ये इतना दिया गया है कि ये ऑलराउंडर पूरा मैक्सी पे आ जाए। तो ये पूरा फॉयल वर्क के साथ प्योर रॉ सिल्क फैब्रिक पे दामन स्लीव की तरफ ये देख सकते हैं। हैवी एम्ब्रॉयडर्ड इसकी स्लीव्स है, 1 यार्ड की स्लीव्स दी गई है। इसके अंदर भी जो है पूरा शीशे का यानी फॉयल वर्क का काम हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी नफासत से फिनिशिंग से ये सारा काम हुआ हुआ है। इसकी ब्यूटी है ये आप देख सकते हैं। 1 यार्ड की ये पूरी स्लीव्स है, ये आप देख सकते हैं। हैवी एम्ब्रॉयडर्ड 1 यार्ड की पूरी स्लीव्स है, कोई जोड़ ओड़ का चक्कर नहीं है। बेल स्लीव्स इजीली बन जाएगी। ये इसकी स्लीव्स आपने देख ली। अब आ जाते हैं स्लीव्स के बॉर्डर की तरफ। ये पूरे स्लीव्स के बॉर्डर हैं काफ़ी फिनिशिंग के साथ, ये आप देख सकते हैं। पूरा फॉयल वर्क का काम है, 1 यार्ड ये बॉर्डर का पूरा साइज़ है, ठीक है। अब आ जाते हैं दुपट्टे की तरफ। हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, प्योर ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे पूरा रेडी टू वेयर दुपट्टा है। साथ में कटवर्क की बॉर्डर लगा हुआ है। ये लेस पूरी फॉयल वर्क वाली लेस है और ये पूरे पल्लू साथ अटैच हैं। ओरिजिनल में ऐसा कुछ नहीं आता, ओरिजिनल में सारी चीज़ें अलग से आती हैं, इसीलिए हम क्लेम भी करते हैं कि बेटर देन ओरिजिनल वाली कैटेगरी का आर्टिकल है। ये पूरा दुपट्टा आपको ओपन करके सही मानों में दिखा देते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये क्या चीज़ क्या व्यू क्रिएट करेगा इसका। अब आप देख सकते हैं दुपट्टा हाफ ओपन किया है, इसका व्यू देख लें। अच्छा, इसकी फिनिशिंग भी देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। पूरा रेडी टू वेयर, 4 साइड इसकी माथा पट्टी लगी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा फॉयल वर्क के साथ सारा काम है, ठीक है। प्योर ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे जो है ये इसका दुपट्टा है। बीच में जो है वो एम्ब्रॉयडरीज हैं और साइड में आप देखें पूरी माथा पट्टी लेस चल रही है, ठीक है। तो जो चीज़ जैसी आपको दिखाई जा रही है सेम एज इट इज़ ही डिलीवर की जाएगी, ठीक है। थैंक यू।